अभी नहीं खाई, दांत नहीं है हमारे। अच्छा दांत नहीं है। तो गाइस आज हम मौजूद हैं जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर, और मेरे साथ मेरे दोस्त राहत भी जो एक डॉक्टर है, ठीक है। और आज हम मौजूद हैं यहाँ पर, मैं आज आपको जो इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ यहाँ की फेमस बिरयानी, क्या नाम है बिरयानी वालों का? आलम भाई, ठीक है। आलम भाई बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे, और भाई के अच्छे दोस्त भी हैं और हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन आज हम टेस्ट करेंगे आलम भाई की बिरयानी, क्या मतलब उसके अंदर जायका है जो लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कभी जामा मस्जिद आ रहे हो गेट नंबर 1 पर, तो भाई आलम भाई की बिरयानी ज़रूर खा लेना, ठीक है। तो अब मैं सीधा लेकर के चलता हूँ आपको आलम भाई के पास। सबसे पहले मैं आलम भाई के पास जाता हूँ, थोड़ा सा बिरयानी के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम उनसे थोड़ी सी बिरयानी भी खाएंगे, उसका टेस्ट हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं आलम भाई की दुकान पर। तो आलम भाई कैसे हो आप? आपका हमने बहुत नाम सुना है भाई, लेकिन आप ऐसा क्या इसके अंदर मिलाते हो जो इतना लोगों को जो जबान पे चाहते हैं कि एक बार दम दस दस बार खाएं? भाई सबसे पहले तो जो है हमारी मोहब्बत इस खाने के अंदर है, और आने वाले लोग जितने भी हैं उन सब की मोहब्बत हमारे साथ है। और ये दिल्ली 6 के अंदर हम मौजूद हैं। दिल्ली 6 जो है एक बेहतरीन उमदा मसालों से फेमस है, और दिल्ली 6 के मसाले जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को बहुत लुभाते हैं। और ये हम मेरठ की जो है दलीम और बिरयानी यहाँ पेश कर रहे हैं, चिकनी बोटी के बोटियों के साथ साथ में, और साफ बोटियों के साथ में। किसी को चॉकलेट वाली बोटियाँ पसंद होती हैं, जैसे ये चॉकलेट वाली बोटी होती है, ये चॉकलेट होती है, और ये ऐसे चिकनी और रूखी होती है, इसको 2-in-1 कहते हैं, कलाकंद। और ये दलीम होता है हमारा, जो कि उमदा मसालों से तैयार किया गया है, और ये नींबू प्याज और ब्राउन प्याज सब चीज़ों के साथ एक मिश्रण होता है। आप अगर कहें तो एक प्लेट बना के आपको पेश करके दिखाता हूँ। हमें एक प्लेट दिखा जी, बिल्कुल लीजिएगा जी। हाँ जी, और हमारे पास और भी साथी खड़े हैं। आप कितनी पहली बार आए हो यहाँ पे? हम इनसे सर बहुत दिनों से जुड़े हैं, 5-6 साल से। अच्छा, ऐसा क्या रेगुलर लगता है? इतनी लजीज बिरयानी हमने कभी खाई नहीं कहीं पे, खाई बहुत है बट टेस्ट ही नहीं खाई है। मसाला बहुत बढ़िया बनाते हैं भाई। भाई साहब मैं लग रहा है कि अलीम बिरयानी के चक्कर में सारा दिन बुक कर रहा हूँ, छोड़ता ही नहीं कुछ भी। एक बिरयानी में एक प्लेट लगवा करके देख लेते हैं हम, जरा क्या प्रोसेस है इनका पूरा बिरयानी का, जो प्लेट है वो लगाने का क्या प्रोसेस है? आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खिली खिली बिरयानी है, ठीक है। हमें प्रोसेस बताइए आप, क्या है आपका? ये हम अपने यहाँ एक प्लेट ऐसे बना के पेश करते हैं। ओके, जैसे ये पुलाव हो जाता है, और इसके अंदर ये बोटियाँ होती हैं चिकनी और रूखी, और इसको ऐसे करके कोई इसको मिक्स खाना चाहता है, ठीक है, और कोई सिंगल खाना चाहता है। इसके ऊपर फिर हम हलीम पेश करते हैं। ये हलीम हो गया, जो कि इसको जायकेदार बनाता है। इसके ऊपर फिर एक ब्राउन प्याज हो जाती है, प्याज को ब्राउन करते हैं। फिर ये नींबू, हरी मिर्च, प्याज, और इसके ऊपर हल्का सा मसाला, जो कि दिल्ली 6 वालों के लिए उमदा। और ये टमाटर पुदीने की चटनी है, जो कि इस जायके को और बढ़ा देगी। इसके ऊपर हल्का सा फिर ऐसे हल्का सा ये बटर भी कह सकते हैं, मगर ये हम इसको तरी बोलते हैं। अब ये खाने के लिए बिल्कुल उमदा रेडी है। एक दो चम्मच लगाओ भी इसके अंदर, और सभी साथी हैं मेरी तरफ से भी पेश करें, खाएं आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं भाई इसका कैसा टेस्ट है, क्योंकि भाई जो देखने में जो मज़ा आ रहा है ना भाई, वो तो एक अलग ही अल्टीमेट है। बाकी खाने में मेरे को लग रहा है बहुत मज़ा आने वाला है हमें, तो टेस्ट कर लेता हूँ भाई मैं। बहुत अच्छा है भाई। यहाँ पर एक ताऊ जी भी खड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ताऊ जी आपने कभी बिरयानी खाई है ये वाली? क्यों नहीं खाई आपने? अभी नहीं खाई, दांत नहीं है हमारे। अच्छा दांत नहीं है। ओके ग्रेट, दांत वाला आदमी खाता है बिरयानी। अच्छा अच्छा, मतलब जब दांत थे तब भी नहीं खाई आपने? नहीं, जब खाई इन्हीं की खाई, इन्हीं की। जब कैसी? मेरठ की मशहूर, ठीक है, जबरदस्त। तो जब आपने बिरयानी खाई? हाँ जी, ठीक है, मतलब आप दांत की वजह से नहीं खा पाते। हाँ जी। चलो खैर, आपको कैसी लगी सर? शान भाई बताइए जरा। बहुत जबरदस्त, बहुत उमदा है, बहुत ठीक है, बहुत जी। माशाल्लाह इतनी अच्छी बिरयानी शायद यहाँ पूरी दिल्ली में मिलती हो। मैं लगभग 10 साल से बिरयानी खाता हूँ, और अपने 10 साल में मैं रमजान महीने में इनकी वेट करता हूँ खास करके, क्योंकि रमजान महीने में गेट नंबर 1 के बाहर ही लगाते हैं हर साल। आलम जी आपको कितना टाइम हो गया बिरयानी लगे हुए? मुझे 12 साल हो, ये 12 साल होने जा रहे हैं जी,
और मुझे दिल्ली वालों ने बे इंतहा प्यार दिया है जी। मैं दिल्ली वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे दिल्ली वालों ने बहुत प्यार दिया जी। ये इनका पैकिंग का तरीका है, आप पैकिंग का तरीका देख सकते हैं। इनके पास एक प्रॉपर बॉक्स है जिसमें सबसे पहले बिरयानी डालते हैं और उसके बाद कुछ सैलेड वगैरह डालते हैं और फिर उसके बाद ये पैक हो जाता है नींबू वगैरह लग करके। इसका क्या प्राइस है, आपने प्राइस नहीं बताया मेरे को। ये 130 का होता है, हाफ 130 का हाफ होता है, ठीक है। तो भाई आपने देखा यहाँ पर आलम भाई की बिरयानी इतनी ज़बरदस्त लगी भाई, अभी भी लोग खा रहे हैं भाई। मैंने तो पहली बार खाई भाई, मेरे को बहुत अल्टीमेट बिरयानी लगी इनकी। लेकिन मैं आपको कहूँगा, अगर आप जामा मस्जिद में कभी प्लान करते हो आने का तो आप भाई गेट नंबर 1 पे इनकी आलम भाई की बिरयानी ज़रूर खा लेना, ठीक है। और हलीम भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, उनके जो पीसीस थे, मतलब जो इनके इनको क्या बोलते हैं बर्फी, हाँ बर्फी, वो भी मेरे को बहुत अच्छे लगे भाई, चॉकलेट टाइप का जो लगा। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर लेकर आएंगे एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई लोकेशन के साथ। थैंक यू।